Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल शेख कपिल। और आज है जहरी टू इफ्तार रूटीन की वीडियो। सो सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज अब हमारा जो सहरी होगी वो फिर सहरी है, और हम लोग आज अपनी सहरी बनाएंगे और ये रमज़ान तो हम लोग सहरी बनाएंगे हम लोग सहरी बनाएंगे और हम लोग सब सहरी खाएंगे। और मैंने मेहंदी लगाई है, देखिए क्यों लगाई है, क्योंकि मेरा बहुत दिल था, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगाऊंगी तो फाइनली मुझे आज मिला है टाइम मेहंदी लगाने का और मैंने लगाई मेहंदी। एक हाथ पे लगाई, एक हाथ पे नहीं लगा पाई क्योंकि अभी इससे नहीं लगा पा रही थी, तो मैं सोचा कल लगाऊंगी दूसरे हाथ पे। तो आप लोग प्लीज़ मुझको इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टा पे मेरा है शेख कपिल। हाँ जी, हाय करो, हाय फ्रैंक किस दे दो, वाओ रवीता। सो आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो खैर हम लोग जा रहे हैं, सहरी बनाएंगे और खाना वाना खाएंगे। अब चलिए चलते हैं, इसको जल्दी से सुखाते हैं और फिर इसको छुटाते हैं और फिर हम लोग बनाते हैं सहरी और फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ के सोएंगे। और क्या, आप देखते रहिए, फिर सुबह मिलते हैं आपसे। चलिए पी रहे चाय। और फिर हम क्या करने वाले
अजान का इंतज़ार, ब्रश करेंगे, फिर अजान का वेट करेंगे, अजान होगी, नमाज पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। मिलते हैं आपसे कल, बाय। पढ़ लिए नमाज और आंटी आराम से यहाँ लेटी है, दाद भी लेट है। आंटी थक गई बेचारी काम कर करके, तो वो लेट गई रोजे में। हम लोग किचन में जाके काम करेंगे, और क्या करेंगे, हम दान को देखेंगे, हम दान को नाश्ता कराना है अभी। हाँ आंटी बड़ी परेशान है बिल्लियों के बाल से। चलिए तो गाइस, अब हम लोग इस तारीख की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं दिखाते हुए मेरी, तो हम लोग पहले करेंगे फूड चाट बनाएंगे। और आज हमने सोचा है कि हम बनाते हैं आज पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, वाइट सॉस चिकन पास्ता। और थोड़े से हम पकौड़े फ्राई करेंगे हमेशा रोजे में। आज बहुत सस्ती सस्ती वाला दिन है, और फिर करने का मन नहीं करता, पर फिर भी। और वाइट सॉस पास्ता आज मैं सोचा वेज चाउमिन, और पराठे विद सूजी का हलवा, थोड़े से फ्रूट चाट बनाएंगे, थोड़े से पकौड़े तलेंगे, थोड़े से पापड़ वगैरह फ्राई करेंगे। और किस किस को साबुदाने के पापड़ पसंद है तो कमेंट करके बताना। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह में हम लोग करते हैं। अभी फिलहाल मेरे बर्तन समेट लें, मैं किचन में समेटूँगी, और फिर उसके बाद करते हैं काम अपने। चलें जी। तो हमने अच्छा खासा काम कर डाल लिया है, और अब मुझे ऐसा का बाद अब मैं ऐसा की नमाज़ पढ़ूंगी। आप लोग सोचोगे कि मैं नमाज दिखा रही हूँ, तो वो दिखाना तो है नहीं मुझे, वो मेरे ऊपर है। मैं पढ़ूँगी कुछ भी, करूँ मैं शुरू करूँ, मैं वो नहीं दिखाऊंगी। बट ये कि मैं अब नमाज़ वगैरह पढ़ के, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम रह गया। जैसे आपने देखा, मैंने जल्दी 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 अपने टाइम लैप में देख लिया, मुझे काफ़ी टाइम लगा सब चीज़ें करने में। मैंने पास्ता रेडी कर लिया है, मतलब बस वो बनाना रह गया उसका सॉस। बाकी चिकन वगैरह मैंने रेडी कर लिया, और मेरी दाल बन गई है, मेरी फ्रूट चाट बन गया है, और मैंने सब अपना पकौड़े वगैरह सब सामान निकाल के रख दिया आज। अब बस उसको फ्राई करना रहेगा, वो टाइम टाइम पे फ्राई होता है, ताकि गरम गरम पकौड़े खाने को मिले। और अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो अच्छी है, क्योंकि इस फैन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप लोग देख सकते हैं हमारी कंडीशन कर गए आज। आज किसी चीज़ कुछ करने का मूड ही नहीं था, आज थोड़ा लेजी लेजी सा डे था। बट कोई नहीं, मैंने सुबह उठ के अब मैंने हमदान को भी देखा सब कुछ। बस अब ये है कि थोड़ा सा खाना वाना सही करता हूँ, तो सही कर लिया। आज मैंने सही का खाना पहले नहीं बनाया, नहीं तो मैं हमेशा पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ सही के लिए। थोड़ा दिमाग चलेगा ना रोज़ा खुलने के बाद, तब देखते हैं, वैसे दिमाग बंद हो जाता है। तो खैर अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर उसके बाद हम तुम्हारे पास अब नूडल्स नहीं थे चाउमिन के लिए, तो चाउमिन तारीफ नहीं करेंगे नूडल्स अभी। तो नूडल्स में फिर मैं बॉयल करूँगी, जैसे मैंने पास्ता करा ऐसे में से बॉयल करना है। बॉयल करके तो वेजिटेबल्स मुझे पसंद नहीं आती चाउमिन में, तो मैं सोच रही हूँ उसमें ना डालूँ तो अच्छा है, और ऐसे ही नॉर्मली बना लूँ बस फिर नूडल्स वूडल्स का। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रही होगी मेरी वीडियो, और आगे भी देखते रहिए आप कैसे मैं कर रही हूँ सारे काम अकेले हाथ से जल्दी जल्दी जल्दी। तो और मुझे बड़ा मज़ा आता है बातें बातें करने में। इस समय तालिब भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो हमारा नेटिव है, मास्क नहीं उठ रहा है मैं, उसमें भी
लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है और सब जगह मस्जिदें भी बंद हैं, हमारी अज़ात यहाँ तो बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है नॉर्मल भी। और खैर कोई बात नहीं, अल्लाह से बस यही दुआ है कि इस कोरोना को ख़त्म कर दे, बस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, बस अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल करें, हमारे रोज़े कबूल करें और हमारे जितनी भी हम इबादत करें वो अल्लाह पाक कबूल करें हमारी। और मैं भी आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए, सबसे ज़्यादा तंदुरुस्ती के साथ रहें और अल्लाह पाक इस सब चीज़ों से बचा के रखें, सब अपने घर में रहें प्लीज़, बाहर ना निकले तो बेस्ट है। और बस यही सब कहना था मुझे आपसे, थोड़ी सी बातें करने का टाइम मिल गया, तो फिर बस चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, दोबारा नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो तो हो जाएगा आराम से। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो मेरे पास पूरा 1.5 घंटे से ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट सारे काम तो नहीं बढ़े, बस थोड़ा बहुत काम रह गया, वो मैं आराम से कर लूँगी 6 बजे से पहले क्लास उठ के। और आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ देखते रहें, इसके लिए मैं रूटीन बहुत जल्दी, मतलब मैं आज ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी इसको, कि मैं आज ही अपलोड कर दूँ सहरी से पहले, नहीं तो आज सहरी से पहले नहीं तो कल सहरी तक आपको मिल ही जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आज है 5th रोज़ा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये वीडियो कब अपलोड हुई है, आज है 5th रोज़ा और 6 सहरी से पहले पहले इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो दे दूँगी। और ऐसा है कि इसके बाद मैं आपको जो मेरी वेडिंग की ब्लॉग्स पेंडिंग रह चुकी हैं मेरे देवर की शादी की, वो स्टार्ट कर ली है मेरे को एडिटिंग करना, तो वो मैं इंशाल्लाह वो एक दिन गैप करके इंशाल्लाह मैं ऐसा डालने की कोशिश करूँगी। और जैसा आप देख रहे हैं कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है मेरा सारा दिन, जिसमें से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमदान को देखना, उनको तैयार करना, खाना वाना खिलाना, तो वो सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूँगी अगर मैं हमदान को संभालूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो खैर मैंने बहुत गपचप करा, बहुत ज़्यादा बोल लिया, चले चलते हैं नमाज पढ़ने। फाइनली अब हम करने वाले हैं सब चीज़ें फ्राई, यहाँ पर सब मैंने सेट कर दिया है और अब हम सब कुछ फ्राई करेंगे और हम बनाएंगे पास्ता, अपना कंप्लीट करेंगे पास्ता। और हम दान बहुत परेशान करने लगे हैं, मुझको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं मुझे, तो बस थोड़ी देर और फिर बाद हमारा रोज़ा खुल जाएगा। सो गाइज़ ये था हमारा रूटीन सहरी से इफ्तार तक का, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इसलिए मुझे फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ चुकी है। तो खैर हमने नमाज वमाज़ पढ़ के हम लोग फ्री हो चुके हैं और अब हम करेंगे थोड़ा रेस्ट। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी, मतलब रेसिपीज़ क्या, अगर आप चाहते हो कि कुछ इनमें से मैं आपको रेसिपी बताऊं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे DM करो, मेरे इंस्टा की ID है शेक कपल और मेरे इंस्टा पे सब प्लीज़ फॉलो करो जी। हाँ तो हम दान देख रहे हैं कार्टून्स और अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम, फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जानी है। सो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।